हेलो गाइस, आई एम कौशल। और थंबनेल देख के तो आपको पता ही लग गया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। तो ये गाइस मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में होने वाली है और मैं क्यों ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ये इसका मेन कारण क्या है, मैं क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ इस तरीके से। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम अपने ट्रैवलिंग की। तो ट्रैवलिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी पहले किसी को वीडियो देखकर, मेरा भी जो मन था ट्रैवलिंग करने का, बजट ट्रैवलिंग करने का, सबसे बड़ा यही मेरा कारण है ट्रैवलिंग को करने का। और क्योंकि मैं पिछले 7 साल से जॉब कर रहा था अपना, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके पिछले 7 साल से मैंने जॉब की हुई है। मैं एज इट इज़ एक मोबाइल सर्विस इंजीनियर, पिछले 7 साल से ही मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरा थोड़ा सा जॉब का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि कुछ खास नहीं। तो फिर मैंने इस बीच में पिछले साल से ही अपना जो है कोविड टाइम में मैंने ये ट्रैवलिंग की वीडियो देखी, क्योंकि एक टाइम था जब मैं कभी ट्रैवलिंग हम लोग करते थे और ट्रैवलिंग करते करते, मानो जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हम कभी आगरा में गए थे 2006 में। तो उसके लिए कभी जो है ना 2006 में हम आगरा जाते जाते हमें 2 से 3 दिन लग गए थे। और जैसे कि मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ, तो आगरा का जो आज का डिस्टेंस है ना वो 4 घंटे का है। जो अब वो कैसे पॉसिबल हुआ, वो इस तरीके से पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने जो है ना ट्रैवलिंग को देख देख के ही, दूसरों को और जो गूगल है उसके ज़रिए ही हमने इसको पॉसिबल कर दिखाया। क्योंकि 2006 में तो गूगल था नहीं, तो उस समय क्योंकि स्मार्टफोन इतना ज़्यादा नहीं थे, तो इस समय पता नहीं लगता था कि कहाँ पर क्या है, कैसी है, जगह के बारे में नहीं पता था, लोकेशन के बारे में नहीं पता था, कैसे जा सकते हैं जल्द से जल्द, उस बारे में नहीं पता था। तो पिछले कुछ सालों से मैंने जो है कंट्री की जो लोग हैं अपना ट्रैवल कर रहे हैं, अपना हिचहाइकिंग करके और बिना किसी पैसे के, किस तरीके से कम बजट में वीज़ा लेकर वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं देश के अंदर। तो उन लोगों को पिछले साल से देख के मुझे लगा, यार जब ये लोग कर सकते हैं ट्रैवल तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और हो सकता है मैं ट्रैवल करूँगा तो हो सकता है मेरे से किसी को सीख भी मिले, हो सकता है बीवी अपना जो है ट्रैवल करें। तो मेरा मेन कारण जो था वो ट्रैवल करने का यही था। और क्योंकि मैं भी दिखाना चाहता था कि चलो हो सकता है मेरे आसपास में या किसी को हो सकता है मेरे से भी कुछ सीख मिले बजट ट्रैवलिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने भी ट्रैवल किया हुआ है। मैंने इससे पहले नेपाल में ट्रैवल किया हुआ है। ये वीडियो मैं बहुत पहले नेपाल में ही डाल देता, लेकिन मैंने बना नहीं पाया था उस समय। ये काफ़ी लेट वीडियो आ रही है क्योंकि इस बीच में मैंने नेपाल का ट्रिप भी कर लिया, ये चाइकिंग करके वहाँ पर रहकर भी आ गया मैं। और इसके बाद मैंने जम्मू यूपी टू जम्मू कश्मीर बाई साइकिल और जम्मू कश्मीर टू राजस्थान की ट्रिप भी कर ली है। तो ये अब जाकर मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लेट हो चुकी है, जबकि होनी नहीं चाहिए थी। तो इसमें मैंने बहुत ही कम बजट में ट्रैवल किया है बहुत सी जगहों पे, और जो क्योंकि मैंने भी ये वीडियो देखकर ही सारा पॉसिबल कराया है। क्योंकि मैंने भी देखा, यार इतना ज़्यादा तो वो नहीं है, जब सारा सब कुछ हमें समझ आ गया, सारा सब कुछ हम देख लिए हैं, हमने गूगल के ज़रिए हम कहाँ जा सकते हैं, कितने कम खर्च में बजट ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि मेन पार्ट जो है ट्रैवलिंग के लिए तुम्हारा 3 चीज़ें होती हैं। एक तो तुम्हारा एकोमोडेशन, रहने का सबसे कम खर्च में, जो कि अभी बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि कहाँ पर हॉस्टल और होटल में क्या अंतर रहता है। तो हॉस्टल में जो है तुम्हें सबसे सस्ते जो है रूम मिल जाते हैं, मान लो 200-250 रुपये इस तरीके से। तो मैंने जैसे आगरा में और गोल्ड टेम्पल पे इस तरीके से इतने बजट में रह कर ही वहाँ पर ये जो हॉस्टल वगैरह है करके मैं रह चुका हूँ वहाँ पर। और मैंने फ़िलहाल मैंने वहाँ के ब्लॉग नहीं बनाए थे, मैंने सिर्फ जम्मू कश्मीर बाई साइकिल से रहकर मैंने ब्लॉग बनाया। और जब मैंने ट्रिप की 18 दिनों की, इसी तरीके से सोलो बजट ट्रैवल पे की हुई है। और मैंने इसी तरह से कैंपिंग करके जगह जगह पर रुका हूँ मैं, तो देख सकते हैं आप, मेरी वीडियो चल रही है उसकी। तो मैंने इस तरीके से हॉस्टल और जो अपना है रुकना, जो कम बजट वाले हॉस्टल वगैरह होते हैं, ये सारे इनके टॉपिक के बाद रहती है। अब दूसरी बात रहती है अपना खाने का। खाने का जो बजट है अपना दिन का, जो प्रतिदिन का है, वो मान के चलो अभी फ़िलहाल तो 100 रुपये या उससे अधिक का आप कर सकते हो कहीं पर भी। सबसे सस्ता बजट जो है खाने का वो आप रख सकते हो। और तीसरा जो आप बात आती है ट्रैवल का, ट्रैवल आप किस तरीके से कर रहे हो। तो दोनों तरीके हैं अपना। मैंने तो फिलहाल इंडिया में इसलिए किया हुआ है ये साइकिल को, क्योंकि जो है कोविड की स्थिति चल रही है, तो लोगों से डिस्टेंस बना रहे और अपनी सेहत का भी बना रहे। तो साइकिल से थोड़ा सा ये फ़ायदा रहता है कि तुम्हारी सेहत है वो बरकरार रहेगी, उससे ट्रैवल करने में ये है। तो मैंने उसको सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि हिचहाइकिंग का तो इस समय है नहीं है, क्योंकि हिचहाइकिंग कर करो तो हो सकता है आप दूसरों को या अपने आप को भी खतरे में डाल सकते हो। तो मैंने इसलिए जो है साइकिल से अपना सेलेक्ट करके उसको ट्रैवल किया है। और मैंने लगभग लगभग 2000 किलोमीटर दूर की जो है वो ट्रिप कर ली अपनी। और दूसरी बात ये आती है कि आप जो है दूसरा हिचहाइकिंग करके कर सकते हो, लिफ्ट लेकर कहीं पर भी जा सकते हो, जैसे लोग अपना विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं इसी तरीके। तो 3 ये पार्ट हैं अपना, एकोमोडेशन का, खाने का और हिचहाइकिंग करके ट्रैवल करने का।
जो जाने का है किसी एक दूसरे से डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाने का, यही चेकिंग करके आप कर सकते हो। तो मेरा मेन पर्पज़ यही है ट्रैवल करने का। और बाकी जो है मैं जगहों को जो है वहाँ के कल्चर के बारे में एक्सप्लोर करता रहता हूँ, सिटी के बारे में एक्सप्लोर करता रहता हूँ। जैसे मैं नेपाल में रहा था, कहाँ पर क्या चीज़ है, रहने का, होटल का कितना खर्चा है, वो सारा मैंने कवर किया हुआ। तो चाहे तो आप वहाँ की सीरीज़ मेरे दे सकते हो नेपाल की। और मैंने इंडिया में भी ऑलमोस्ट इस समय कर रहा हूँ, और आने वाले समय में जो है कंट्री में भी करूँगा, क्योंकि इस समय जो है ना इंडियंस का बैन लगा हुआ है कंट्री विदेश यात्रा में। जो लैंड बॉर्डर है उसके जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कम बजट में आप किस तरीके से वहाँ पर एंटर होकर अपना घूम सकते हो, फिर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा खर्च तो वहाँ पर क्या आ जाता है, फ्लाइट का। फ्लाइट से अगर आप आओगे जाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो अभी फ़िलहाल जो है बहुत दूर दूर की जो है कंट्रीज़ खुली हुई है, वहाँ का बहुत बड़ा खर्च है, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ अभी। तो जब ये जैसे ये हालत अभी ठीक होते हैं कोविड के, तो लैंड बॉर्डर खुलते हैं, तो मैं आपको फिर कंट्रीज़ का जो है ट्रैवल करके दिखाऊंगा, बजट ट्रैवलिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा मेन कारण यही है। और वहाँ की जगहों को मैं एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ के कल्चर को मैं एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ का रहने का खाने का सारा सब कुछ जो है वो एक्सप्लोर करूँगा। तो मेरा यही एक्सपीरियंस है, जो भी ट्रैवलिंग का मेरा एक्सपीरियंस रहता है, तो मैं इस अपने चैनल पर अपना जो है इसको एक्सप्लोर करूँगा। चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोमैडिक टूरिस्टर नाम है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले टाइम में जो है हम अपना फिलहाल इंडिया के अंदर कहाँ तक है अपना ट्रैवल वो करूँगा उसको, और उसके बाद जो है अपना जब कंट्री के लैंड बॉर्डर खुलेंगे उसका वीज़ा प्रोसेस क्या होगा, वहाँ का ट्रैवल कैसा रहेगा और कैसा वहाँ का कल्चर रहेगा, उन सारी चीज़ों को मैं अपना कवर करके चलूँगा। तो मेरा मेन कारण यही है ट्रैवलिंग को करने का। और जो मेरी लास्ट जॉब प्रोफेशन था उसको मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक बोरिंग टाइप सा आने लगा था बहुत ही ज़्यादा। तो फिलहाल मेरा यही कारण है अपना ट्रैवलिंग करने का, और मैं अपने इस चैनल पर जो है बजट ट्रैवल को ही एक्सप्लोर करूँगा, जहाँ तक भी है कम से कम खर्च में मैं कैसे घूमूंगा कैसे रहूँगा। और आप मेरे नेपाल के सीरीज़ भी देख सकते हैं, मैंने कितना बजट वहाँ पर खर्च किया है। और मैं जो यूपी टू जम्मू कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर टू राजस्थान का ट्रिप किया है, मैंने कितने बजट में किया है, कितने दिनों का किया है मैंने, ये सारा आप देख सकते हो, मैंने सारा एक्सप्लोर किया हुआ है उसके अंदर। तो ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल सिर्फ बजट ट्रैवलिंग के ऊपर ही है, जिसको मैंने अपना बनाया है क्योंकि इसलिए क्योंकि हो सकता है मेरे से भी किसी को सीख मिले, क्योंकि अपने आसपास में तो खैर किसी ने नहीं किया है, तो हो सकता है मेरे से भी किसी को सीख मिले, हो सकता है कोई और भी ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट क्या है ना, आपको पता ही है 2006 में और 2014 में इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया हुआ, क्योंकि उस समय स्मार्टफोन इतना ज़्यादा नहीं था, तो लोगों को पता नहीं था, तो बहुत ही ज़्यादा जो है बजट लग जाता था, किसी को नहीं पता था। और आज भी काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि अभी मैंने नेपाल का ट्रिप किया था, वहाँ पर लोग ये सोचते हैं यार फ्लाइट से जा सकते हैं, वीज़ा लगेगा, क्या लगेगा वहाँ का, मतलब क्या करेंसी है, कैसे रहना है वहाँ पर, ये सारी चीज़ों के टॉपिक के ऊपर लोगों को नहीं पता है, काफ़ी सारों को सभी को पता है ज़्यादातर, और कुछ को नहीं पता है। तो मेन कारण मेरा यही है कि मैं लोगों को दिखा सकूं वहाँ के बारे में, और जो बजट ट्रैवलिंग है अपना कर सकूं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए होगा तभी आप घूम सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप कम से कम खर्च में कैसे घूम सकते हो ये पॉसिबल है, और यही मैं अपना जो है एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। तो आगे भी मेरे जो वीडियो है ब्लॉग से वो आते रहेंगे, कहाँ के रहेंगे, कितने बजट में रहेंगे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अभी तक तो सारा बजट में ही कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा और जो वहाँ के कल्चर है, वहाँ का रहना सहना है, सारा सब कुछ कवर कर रहा हूँ। तो गाइस अब बात आती है कि जो सोलो ट्रैवलिंग में है, क्या हमें इसकी चाट आती है, क्या हमें घबराहट सी लगती है ट्रैवल करने में, सोलो ट्रैवल करने में। तो देखो अभी तक मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। मैंने नेपाल में किया था, स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ पर मैं कैंपिंग वगैरह का सारा सामान लेके गया था, तो वहाँ पर मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने कहीं पर भी जो कैंपिंग थी वो नहीं करी थी। और दूसरा ये ब्लॉग शूट करता था, तो मेरे को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी, मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, तो मेरे ब्लॉग भी इतने कुछ खास नहीं बने वहाँ के। तो ये शुरू शुरू में ही होता है, लास्ट बाकी आप करते रहोगे तो उसके बाद आपका जो है धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैंने जम्मू कश्मीर से जो है अपना ट्रैवल किया था 18 दिन का, और मैंने कैसे किया था, स्टार्टिंग में थोड़ी सी घबराहट रही थी 1-2 दिन, और मेरे को फिर उसके बाद तो मैंने कैंपिंग करना शुरू कर दिया, जहाँ था जहाँ जगह मिलती थी मैं रुक जाता था, इसी तरीके की घबराहट जो है मेरी ख़त्म हो गई थी। और दूसरा है बीच बीच में मैं अपना काउचसर्फिंग यूज़ कर रहा था कि कहीं पर हॉस्टल अगर मिल जाए, तो फिलहाल तो कोविड के कारण इस समय जो है नहीं एक्सेप्ट हो पाई थी कहीं पर भी मेरी जो रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए मैंने काउचसर्फिंग का यूज़ नहीं किया है। बाकी मैंने एक जगह पर ट्रैवल किया था गुरदासपुर में, वहाँ पर एक किसी पर्सन ने ही मेरे को इन्वाइट कर दिया था। तो इससे इसी तरीके से जो मेरा काउचसर्फिंग का एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपको आगे जो है साझा करूँगा। तो मेन पर्पज़ यही है, और बाकी जो वॉलंटियरिंग के बारे में अभी थोड़ा मैं उसको बाद में एक्सप्लोर करूँ। फिलहाल
फिलहाल गाइस जो है इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपका जो भी सवाल जवाब है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेशन में आप मालूम कर सकते हो। और अगर आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो थैंक यू गाइज़।